ये देख सकते हैं आप ध्यान में लगे हुए बताओ जी, आप से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप चेहरे में क्या लगाती हो। जिया जो कई बार लगा देती है मेरे चेहरे में। तो बेचारी जीत गई। नहीं हुआ क्या बताती हूँ, इनको लगा कि। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी आईडी, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बातचीत होती है। तो शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। जी आज जो है जिया बहुत खुश है, इतनी खुश है कि पूछिए मत। और वो खुशी इसलिए कि हम दोनों ने एक चैलेंज लगाया और उस चैलेंज में जिया जीत गई। अब मुझे लग रहा था कि मैं तो जीता हुआ हूँ ही, इसमें क्या चैलेंज लगाना, फिर भी लगा लिया और जिया उस चैलेंज को जीत गई। और वो क्या है चैलेंज, अभी चलते हैं नीचे, नीचे चल के आपको बताते हैं कि जिया कौन सा चैलेंज जीती है। इसके बदले मुझे एक चॉकलेट हारना पड़ा। अभी तुम कह रही थी तबीयत खराब है, मोबाइल लेकर के बैठ गई। मैं सबका इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर, मैं जीत गई। जीतने पर बाद में बात करेंगे। आप और इसके पास जो है हमेशा एक बहाना रहता है मोबाइल चलाने का, हमेशा कहे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर रही हूँ, कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, चलो। कैसा लगा? हम झूठ नहीं बोलते, वो झूठ बोलते भी होंगे तो वो पति देव का असर होगा। एक तो हार गए हो और दूसरा निकाल रहे हो कुछ से कुछ बोल के मुझे डांटने का। तो जी बात ये था कि हमने चैलेंज लगाया, जिया संभाल रही है इंस्टाग्राम और मैं संभाल रहा हूँ यूट्यूब। तो जिया कहे कि मैं आपको पछाड़ के रहूंगी नंबर में। तो इंस्टाग्राम पर उस टाइम फॉलोवर्स थे लगभग 12,000 के करीब और हमारे यूट्यूब पर थे उस टाइम 13,500 के करीब। तो 1,500 से मैं था आगे और यूट्यूब पर जिस तरह से ग्रोथ मिलता था इंस्टाग्राम पर उस मुकाबले थोड़ा धीरे से मिलता है। लेकिन हुआ ये कि यूट्यूब थोड़ा पड़ गया इधर ठंडा और इंस्टाग्राम पर तेजी से बढ़ गया है वो। और इंस्टाग्राम पर हो गए हैं लगभग 15,000 के करीब अभी फॉलोवर और यूट्यूब पर है अभी 14,200 सब्सक्राइबर के करीब। तो बेचारी जीत गई। नहीं हुआ क्या बताती हूँ, इनको लगा कि मेरे सब्सक्राइबर है तो हमेशा मेरे ही ज्यादा रहेंगे और इन्होंने बिना सोचे समझे हमसे शर्त लगा ली। ये कि बहुत बढ़िया, ये कि यदि तुम्हारे सब्सक्राइबर मेरे से ज्यादा होंगे तो हम तुम्हें देंगे चॉकलेट। आज मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, मैंने इनको बोला तो सच में है तुम झूठ बोल रही हो, बोले नहीं सच में हुए। तो फिर क्या की ये फ्रिज में मेरे कुछ चॉकलेट रखे हुए थे, गए वहां से निकाल के मेरी चॉकलेट ही मुझे उसमें उसे ज्यादा। ये लो, शिकायत कर रही थी कि हमको नहीं दिया चॉकलेट। थैंक यू सो मच पतिदेव। तो लो चॉकलेट दे दी, अब शिकायत नहीं करना कि हम नहीं दिए हैं। एक चीज का डर लग रहा है। डर जिस चीज का लग रहा है वो हम करेंगे ही, तो जैसे ही फाड़ेगी आधा उसमें से हमको दे देना। फाड़ेंगे ही नहीं। तो मेरा भी तेल जला है कि नहीं, मोटरसाइकिल से गए हैं, मेरा एनर्जी भी खत्म हुआ है कि नहीं? मेरा एनर्जी खत्म नहीं हुआ है क्या? आपको इतना ताना दिए फिर चॉकलेट मिला है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हमको भी दो, जाओ पचेगा नहीं तुमको, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेरा चीटर कौन हुआ? मेरा प्रॉमिस था कि हम चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट दे दिए इसको, बात खत्म हो गई। A few moments later. एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पंखा का ये हाल हो गया है। और पंखा का ये हाल क्यों हुआ है ये देखिए आप, तो जूम करके दिखाता हूँ मैं, देख रहे हैं ये, इसमें जिया का बाल है। जिया का बाल जो है कहीं पीछा नहीं छोड़ता, चाहे कंघी हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे मेरा कोई भी सामान हो, हर जगह जिया का बाल नजर आएगा। फाइनली पंखा ठीक हो गया जी, शुक्र है, वरना गर्मी में काम करना पड़ रहा था। ये देखिए जी, इधर है बेड, बेड के ऊपर लगा हुआ है पंखा और इस साइड है मेरा काम करने का जगह। ये अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, इसको थोड़ा साफ सफाई करेंगे, तो यहाँ वो आता ही नहीं है, तो इसीलिए जो है एक वो टेबल फैन है उसी को लगा लेते हैं जहाँ पर काम करते हैं। और जी अपना पंखा के नीचे बैठ के बहुत बढ़िया। तो तुमको कौन मना करता है यहाँ आकर के काम करने के लिए? क्योंकि वहाँ पे एक चेयर लगा रहता है, एक चेयर हम
एक चेयर और लग सकता है, लेकिन मेरे सामने बैठेगी नहीं क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, वहाँ बैठ के मोबाइल चलाती है। A few moments later. तो वो जो फेसबुक बनाने वाली थी, बनाओ थोड़ा, सबको इंस्टाग्राम पर कह रही थी, आपको बताएंगे हमारे यूट्यूब वीडियो पर। ठीक है, जाते हैं। ये है मसूर दाल और इसको हम अच्छे से धो करके सुखा लिए हैं और इसका एक अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। इसको लेंगे और इसको डालेंगे जार में, ढक्कन से लगाएंगे और चलिए इसको क्या करेंगे, पीसने के लिए, जैसे हमको पीसती है। ये देख सकते हो आप, एकदम अच्छे से हो गया ये, और अब इसको हम एक डब्बे में रख देंगे। A few moments later. जी, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप चेहरे में क्या लगाती हो, जिया जो कई बार लगा देती है मेरे चेहरे में, तो आज हम वही बना रहे हैं। तो जिया को बोले तुम बीमार मत करो, आज हम ही बताते हैं। तो जी क्या है? हम ले लिए हैं बेसन, हल्दी और शहद। ये लिए हम बेसन एक चम्मच, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी ले लेंगे, उसके बाद जो है एक ड्रॉप, एक बूंद जो है, बस एक बूंद ये डाल देंगे शहद। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, जो पानी हम लाना भूल गए हैं वो लेके आ रहे हैं। और इसमें मिलाना है जी थोड़ा सा पानी, अब इसको जो है मिला लीजिए, अच्छा सा पेस्ट बन गया, ये देखिए पेस्ट, ये एक बन गया। अब इसको जो है चेहरे पर लगा लेंगे। आज तो अपने से कभी नहीं लगाएंगे, हमसे पूरा अच्छे से नहीं लग पाया, तो जिया कहीं दो मैं ही लगा देती हूँ, हमको चलो तब तुम ही लगा दो, सोच रहे थे परेशान नहीं करिए, थोड़ा बहुत फीवर है इसको, लेकिन करिए नहीं, नहीं हम ही लगा देंगे। उसको ओपन पोर्स हो गया था और बहुत हद तक कम गया एकदम, तो फायदा तो हुआ है। ये रेगुलर लगाते ही नहीं है, जब हम मुझे याद रहेगा तो हम लगा देंगे, और हो सकता हम बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, हम भूल जाते हैं, तो हम भी अपना बिजी रहते हैं काम में, हम भी भूल जाते हैं, तो जिनको लगाना है वो तो याद रखेगा ना कि हम लगाएं, छोड़ देंगे। जी तो लग गया ये मेरे चेहरे पर, और अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक अपना काम करते हैं जब तक ये सूखेगा, और फिर उसके बाद धो लेंगे हम लगभग पूरा अच्छे से जब तक सूख नहीं जाए, और अपना जो काम चल रहा है काम करते रहेंगे। जी मिलते हैं फिर। A few moments later. यहाँ पतिदेव लगे हैं ध्यान करने में, जब भी मैं इनको कुछ काम करती हूँ बस ध्यान में लग जाते हैं। मैं अब इनका ध्यान तोड़ूंगी। पतिदेव, 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 ये देख सकते हैं आप ध्यान में लगे हुए। कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप लोग समझ सकते हो कि जिसको इतनी बार ऐसे करो वो थोड़ा सा भी तो बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे ही नहीं। इसका राज ये है कि इनको काम करने को दिया गया है, इसीलिए ये नौटंकी कर स्माइल आ रही है, आप देख सकते हो फेस पे स्माइल आ रही है, लेकिन ये स्माइल नहीं कर सकते हैं। कितने टाइम तक ऐसे ये रहते हैं और कितने टाइम तक स्माइल नहीं करते हैं। A few moments later. हटाओ। पागल कहेगी। ध्यान कर रहे थे, ध्यान तोड़ दिया। नहीं, फेस पे स्माइल आ रहा था लेकिन स्माइल करने का नाम नहीं ले रहे थे आप। लेकिन लास्ट में इनकी स्माइल हम वापस ला के रहे। तो जी इस तरह से जिया ने मेरा ध्यान भंग कर दिया, ध्यान तो भंग किया ही, ऊपर से चैलेंज भी जीत गई। तो कांग्रेचुलेशंस बोलो। कांग्रेचुलेशंस बोले तुमको, मन तो कर रहा है कि क्या कहें हम, क्या क्या मन कर रहा है, चॉकलेट एक और दे दो, इसमें कौन सी हाँ। चला सकते हैं पति जो आप। अच्छा, फ्रीज में एक चॉकलेट और रखा हुआ है, इसको हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी आप बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा वीडियो जो आए सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।